तो हेलो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और मेरे हाथ में जो है आप देखेंगे तो ये केबल है और ये केबल जो है ब्लू रिगर नाम की एक कंपनी है उसकी केबल है। और ये केबल कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक माइक्रो HDMI टू फुल HDMI केबल है और ये 10 फीट की आपके आसपास मिलने वाली है। मैंने ये अमेजोन से खरीदी है। अब हम इसको जो है अपने मॉनिटर, हमारे पास जो मॉनिटर है उससे हम कनेक्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्वालिटी इसकी कैसी आने वाली। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले हमने आपको बताते हैं, ये हमने अमेजोन से खरीदा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ नॉर्मल पैकेजिंग आती है, ज्यादा कुछ पैकेजिंग में नहीं आता आपको। अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये केबल बाहर निकालनी है। आपको यहाँ एक कंपनी का स्टिकर भी मिलता है जो कि ब्लू रिंगर का है और यहाँ पर आपको एक HDMI केबल मिल जाती है। ये जो है HDMI केबल है फुल साइज की और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो HDMI केबल मिल जाती है जो आपके कैमरे से कनेक्ट होगी और इसको आपको अपने मॉनिटर से कनेक्ट करना होगा। और अब हम इसको हम कनेक्ट करके देख लेते हैं ये आपके मॉनिटर से और कैमरे से कैसे कनेक्ट होगी। और इस लेंथ के बारे में बताएं तो ये आपको 3 मीटर यानी कि 10 फीट के आसपास की केबल मिल जाती है। हमारे पास ये सोनी का कैमरा है और हम इसमें इसको कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर जो माइक्रो HDMI पोर्ट दिया है हमें उसको अपने जो केबल में माइक्रो HDMI पोर्ट दिया है उससे कनेक्ट करना है। जो कैमरा है इस कैमरे में एक माइक्रो HDMI पोर्ट दिया है यहाँ पर और इसको हमें जो हमारे पास ये जो पोर्ट है ये माइक्रो HDMI पोर्ट है वो हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा अपने कैमरे के अंदर। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये फुल HDMI पोर्ट दिया है इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मॉनिटर से। यहाँ पर आपको फुल HDMI पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर भी सेम मेल HDMI पोर्ट है, हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। अब ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक बार अपने कैमरे को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो क्योंकि हमने HDMI केबल से अपने कैमरे को कनेक्ट किया हुआ और साथ में मॉनिटर को कनेक्ट किया है और पूरी स्क्रीन आपको यहाँ पर शो होगी। मैं एक बार लेंस पे से कैप हटा लेता हूँ तो अगर आप देखेंगे और मैं यहाँ पर ये कैप रख देता हूँ साथ में, अब आप देखेंगे तो कैप भी आपको दिख रही है यानी कि पूरी पूरी स्क्रीन आपको आपके कैमरे पर, कैमरे से मॉनिटर पर शो होगी। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरी जो स्क्रीन है कैमरे की वो आपको मॉनिटर पे शो हो रही है क्योंकि हमने ये माइक्रो HDMI से फुल HDMI जो हमने कनेक्ट किया है इस मॉनिटर में। तो हमने यहाँ पर कैप रखा है वो देख सकते हैं लेंस में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको वो शो हो रहा है। तो आप कुछ भी करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। जैसे मैं आपको सेम स्क्रीन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो इस तरह से आप अपनी कैमरे की स्क्रीन पर मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सोनी में तो डायरेक्टली ही कनेक्ट हो जाता है, कोई भी अलग से सेटिंग या फिर किसी भी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो अगर आपके में शो नहीं होता तो आप अपने जो मॉनिटर की सेटिंग होती है उसमें HDMI 1 और 2 दोनों पे से शिफ्ट करके देख लीजिएगा, वहां पे आपको वो आराम से शो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बस इस वीडियो में यही था और अब इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करके जाइए, अगर अपने दोस्तों को शेयर करना है तो शेयर करिए, साथ में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।